खुशियों के ये पल आज है और है कल, हम इस पल को जी ले। कुछ खा पी ले, पिज्जा पॉइंट कनगौर फॉर डिलीशियस मोमेंट्स। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आर के गोखरू पर अस्पताल में कार्यरत महिला नर्सिंग कर्मी ने बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए लिखित में माफी मांगने की मांग रखी। नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि कार्य की पूर्ण जानकारी देने के बाद भी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आर के गोखरू ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया और भाषा पर नियंत्रण नहीं रखा। इससे नाराज नर्सिंग स्टाफ मंगलवार को जेलन अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और अस्पताल अधीक्षक अनिल जैन को ज्ञापन सौंप कर कार्रवाई की मांग की। पीड़ित नर्स उमा शर्मा ने बताया कि विगत 8 जुलाई को मेडिकल कॉलेज प्राचार्य ने न्यू ओटी में कार्य के दौरान बदसलूकी की, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते नर्सिंग स्टाफ ने प्रदर्शन कर माफी मांगने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मेरी 30 साल की सर्विस के दौरान कभी इस तरह की वारदात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि आगे से कोई ऐसा ना करे, इसके लिए सभी स्टाफ माफी की मांग कर रहे हैं। 7 को रात्रिकालीन ड्यूटी में उपस्थित हुई थी एज ए नाइट सुपर के रूप में। तब श्रीमान प्रधानाचार्य जी ग्राउंड पर आए और उन्होंने उसे मरीजों के बारे में जो ब्यौरा मांगा, मैंने उनको उस सब चीज़ से अवगत करा दिया। इतने पता नहीं उनको क्यों गुस्सा आया और उन्होंने मुझको कहा कि अभी एक थप्पड़ मारूंगा तो यहीं पेशाब निकाल दूंगा। ये श्रीमान आखिर आर के गोखरू ने ये दिनांक 8/7/18 मेरी उनसे कोई वार्ता नहीं हुई और उन्होंने कहा तेरा क्या नाम है, तू कब से यहाँ पढ़ी हुई है, तेरा ट्रांसफर करवा के जैसलमेर बाड़मेर जैसी जगह तेरे को नौकरी करना सिखा दूंगा। हम यहाँ सुप्रिटेंडेंट साहब के पास आए और मेरी ड्यूटी न्यू ओटी में है। मेरे पास SH का चार्ज है, प्लास्टिक पीडिया और न्यूरो का चार्ज। मेरे को यहाँ पे 30 साल हो, हम चाहते हैं कि हमको उचित न्याय मिले और ये इतने बड़े पद पे स्थापित हो के इस तरह से महिला कर्मचारी से बात करते हैं, ये कहाँ किया न्याय। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए यूट्यूब पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।